हेलो फ्रेंड्स, बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो में आपको बताऊंगा हार्मोनाइज सिस्टम कोड HS कोड के बारे में आपको बताऊंगा। और आपको आपकी प्रोडक्ट का HS कोड मालूम है तो यहाँ पे वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए। यस, तो HS कोड क्या होता है, देखिए, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो या आप इम्पोर्ट करना चाहते हो, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका एक HS कोड रहता है। एंड HS कोड का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम कोड। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस सही तरह से और स्मूथ तरीके से हो, इसलिए HS कोड बनाए गए। इसमें क्या होता है, देखिए, कि डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, फैन है तो इंग्लिश में इसको फैन बोलते हैं, गुजराती में इसको पंखा बोलते हैं, एंड दूसरी कोई लैंग्वेज में इसको कोई दूसरी चीज बोलते होंगे। अब कोई रशियन बायर है, वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है कि मुझे फैन चाहिए, पंखा चाहिए, और हमको पता ही नहीं उसके लैंग्वेज में पंखे को क्या बोलते हैं, जो बोल रहा है उसको पंखा बोलते हैं, हमको मालूम नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर होने के कारण मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, मिस डिक्लेरेशन हो सकता है। इसलिए ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड ITC, इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल, ये जो इंटरनेशनल बॉडीज है वो लोगों ने बनाए हैं HS कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड, कि दुनिया में प्रोडक्ट को किसी भी नाम से बुलाओ बट उसका एक पर्टिकुलर कोड रहेगा, एंड वही कोड को हम बोलते हैं HS कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड बोलते हैं। तो जनरली जो है HS कोड जो है 8 डिजिट का आता है। इंडिया में हम लोग 8 डिजिट का HS कोड यूज कर रहे हैं, कोई कंट्री में 10 डिजिट का भी यूज होता है, बट इंटरनेशनल HS कोड जो है वो 80 डिजिट के है, तो हमको 8 डिजिट का HS कोड यूज करना है। एंड हार्मोनाइज सिस्टम कोड के चैप्टर है, मतलब यहां से 1 to 97 अराउंड चैप्टर है, उसमें कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है। अब HS कोड के अंदर 8 डिजिट होता है, तो उसमें सबसे पहले 2 डिजिट है ना, वो चैप्टर नंबर है। जैसे कि मैं आपको ऑनियन का HS कोड बताता हूं, 07031010, ये क्या है, HS कोड है। तो यहां पे ऑनियन का चैप्टर नंबर कौन सा हुआ, आगे के 2 डिजिट, 07 जो है ऑनियन का चैप्टर नंबर हुआ, उसके बाद हेडिंग आता है, उसके बाद सब हेडिंग आता है और एग्जैक्ट प्रोडक्ट आती है। इसको यहां पे क्लासिफाई किया गया है कि जैसे कि 07 के अंदर जो है मोस्टली वेजिटेबल्स आते हैं, आपका प्रोडक्ट यहां पे ओकरा है तो भी इसका HS कोड जो है 07 से स्टार्ट होगा, तो 07 मतलब सारे वेजिटेबल इसके अंदर आ गए। मुझे तो एग्जैक्ट ओकरा एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें फिर आगे की कैटेगरी में सब हेडिंग हेडिंग में जाना पड़ता है, तब जाके एग्जैक्ट प्रोडक्ट मिलता है। मतलब एग्जैक्ट प्रोडक्ट का 8 डिजिट का कोड होता है, 07031010, मतलब वो ऑनियन का HS कोड हो गया, 10063020 बासमती राइस का HS कोड हो गया। तो ऐसे 8 डिजिट का HS कोड आपकी प्रोडक्ट का आपके पास होना चाहिए, उसका पूरा लिस्ट आता है, और वो लिस्ट भी जो है मैंने शेयर किया हुआ है हमारी टेलीग्राम चैनल में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपडेट बाय परेश सोलंकी, वो चैनल में जाके आप इसका लिस्ट भी निकाल सकते हो, वहां पे अवेलेबल है। एंड यहां पे पिन कमेंट में भी उसका लिस्ट दिया हुआ है, तो आप जो है हमारी टेलीग्राम चैनल में जाके पूरा HS कोड का लिस्ट जो है आप निकाल सकते हो और आपकी प्रोडक्ट का HS कोड आप फाइंड कर सकते हो। और यहां पे HS कोड का यूज क्या है, तो आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, आप परफॉर्मा इनवॉइस बना रहे हो, इनवॉइस बना रहे हो, पैकिंग लिस्ट बना रहे हो, उसमें आपको जो है जनरली HS कोड मेंशन करना रहेगा, प्रोडक्ट का नाम प्लस आपको जो है HS कोड मेंशन करना रहेगा। आप एक्सपोर्ट करते हो तो शिपिंग बिल फाइल करोगे, आप इंपोर्ट करोगे तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, वहां पे भी प्रोडक्ट के साथ HS कोड आपको देने पड़ेंगे। एंड इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो HS कोड के हिसाब से तय होती है। तो आप यहां पे कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो, उसका HS कोड आपको मालूम होना चाहिए। 7117 HS कोड इमिटेशन ज्वेलरी का है, लाइक 09 पाइसिस का है, 1006 में राइस आते हैं, चैप्टर नंबर 61 62 63 गारमेंट के चैप्टर है, मतलब आप कोई भी गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो उसका HS कोड जो है 61 62 या 63 से स्टार्ट होगा। कोई आप मशीनरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो तो जनरली उसका HS कोड रहेगा 84 रहेगा। और यहां पे मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही आसान है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे मेरा काम है आपको जेन्युइन नॉलेज देना, जो रियल है, जो रियल नॉलेज है, मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। तो कभी भी आप एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करो, आप प्रॉपर HS कोड आपकी प्रोडक्ट का फाइंड करना, कभी भी आपको मिस डिक्लेरेशन नहीं करना है। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के बेनिफिट भी HS कोड के हिसाब से
से मिलते हैं। तो आपने कहीं गलत एचएच को लिख दिया तो आपको कम बेनिफिट मिलेंगे, और आपने गलत एचएच को लिख दिया और ज्यादा बेनिफिट है तो भी मिस डिक्लेरेशन है कि प्रोडक्ट कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है और आप बता रहे हो कुछ और बता रहे हो। और आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी भी एचएस कोड के हिसाब से तय होती है, तो आपको गलत एचएस कोड नहीं डालना। कई लोग ऐसा करते हैं, मिस डिक्लेरेशन करते हैं, प्रोडक्ट कुछ और है, एचएस कुछ और, कुछ और डालते हैं जिससे उसको इंपोर्ट ड्यूटी में फायदा हुए, बट ये स्मगलिंग है, ये अच्छा काम नहीं है, दो नंबर का काम है, ऐसा आपको नहीं करना है। ये गवर्नमेंट का इंपोर्ट ड्यूटी का चोरी का काम हुआ, ऐसा काम आपको नहीं करना है। और आप पकड़े जाते हो तो बहुत ही कड़ी सजा होती है यहां पे। यस, इंपोर्ट में आपको पता है डीआरआई आता है, कस्टम आता है, तो आप इसमें पकड़े गए तो बहुत ही भारी आपको सजा हो सकती है, तो बी केयरफुल। और मेरा काम है आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना, राइट इंफॉर्मेशन देना, मेरे नॉलेज के हिसाब से लीगल इंफॉर्मेशन देना। तो आप यहां पे जो है अपनी प्रोडक्ट का सही एचएस कोड फाइंड कीजिए, उसका यूज कीजिए और एक्सपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए। एंड और भी आपको एचएस कोड के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यहां पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, एक गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना है वो सीखना चाहते हो, तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम हेल्प डेस्क सपोर्ट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको अपग्रेड कीजिए और ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर मैं ही पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको सिखाऊंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। जय हिंद।